क्या नाम? मेघना। मेघना अगर देख पाओगी तो बात बिल्कुल खुल जाएगी। तुमने देखा है लोग घर बनाते हैं तो करते क्या है घर के साथ? मित्तल साहब ने घर बनाया तो उसके बाहर लिखेंगे मित्तल्स। वो पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि ये घर मेरी संपत्ति है और इस घर में प्रवेश मत कर जाना। घर पर अपना नाम लिखना बड़ा जरूरी है। पुराने समय में लोग घर के बर्तनों पर भी नाम लिखते थे, कटोरों पर, चम्मचों पर नाम अंकित है। पड़ोसियों को इत्तला कर रहे हैं कि उठा मत ले जाना, मेरा है, और उठा लेगा तो पकड़ जाओगे। लोग ट्रेन में चलते थे तो संदूकों पर अपना नाम पेंट करके चलते थे। आज भी होता है, लगेज पर तुम लिख ही देते हो। ये तुम दुनिया को सूचना दे रहे हो कि जायदाद मेरी है, छूना मत, लड़ाइयां हो जाएंगी। तो समझ ही गई होगी मेघना। जो भी कोई ये करे कि स्त्री मेरी है या पुरुष मेरा है, कुछ भी संपत्ति की तरह है, मालकियत है, जायदाद है, उसके लिए तो औरत सिर्फ पदार्थ ही है, चम्मच की तरह, कटोरी की तरह, मकान की तरह, संदूक की तरह। तो जिस भी आदमी ने यह किया है कि औरत के नाम के आगे अपना नाम जोड़ दिया है, उसने औरत को पदार्थ से ज्यादा कुछ नहीं समझा है। गाय, बैल, बकरी, भैंस दूध देगी, मेरी है। देखा नहीं है लोग कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, उस पर भी लिख देंगे टीनूज बाइक। अब यही टीनू जब शादी करेंगे तो बीवी के माथे पे खोद देंगे टीनूज वाइफ। एक ही मन है, एक ही चित्त है, जो कब्जा करना चाहता है, जो भोगना चाहता है, जो कहता है प्रॉपर्टी है, थिंग है, थिंग चीज है, चीज, उसको इंसान नहीं दिखाई पड़ रहा, उसको सिर्फ शरीर दिखाई पड़ रहा है, चीज दिखाई पड़ रही है। हिंदुस्तान में तो पुराने समय में जब धन गिना जाता था तो ऐसे गिना जाता था। अच्छा बताइएगा जरा कितना पशुधन है आपके पास, तो पशुधन बताते थे कि इतनी गायें हैं, इतनी भैंसें हैं, और फिर कहा जाता था अच्छा और स्त्री धन कितना है, तो फिर वो बताते थे कि औरतें कितनी हैं। तो जैसे पशुधन वैसे ही स्त्री धन। एक कमरे में उधर गाय भैंस बंधी हुई हैं, सार कहते हैं उसको, और दूसरी तरफ औरतें बंधी हुई हैं, बेडरूम और किचन कहते हैं उसको, कोई अंतर नहीं है विशेष। तुम आज भी देखो ना, कई देश हैं जहां पर औरतों को गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। कई देश हैं जहां की अदालतों में औरतों की गवाही की कीमत पुरुष की गवाही की अपेक्षा आधे वजन की मानी जाती है। चीन में लंबे समय तक कुछ समुदायों में ये माना गया कि औरत में आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो चीज है, वस्तु है। तो यदि तुमने किसी स्त्री का कत्ल कर दिया है तो कोई विशेष बात नहीं, चीज ही तो तोड़ दी। अरे चीज थी, टूट गई, मेरी चीज थी वो भी, मेरा गुलदस्ता है, रखूंगी तोड़ूं, तुम्हारा क्या, कौन सी अदालत मुझे सजा देगी? और औरतों ने
चीज बनाए रखने में खुद भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दूसरे तुम्हें यदि वस्तु समझते हैं तो तुम ये बताओ कि क्या तुमने कभी अपने आप को वस्तु से अलग को जाना? तुम तो खुद वस्तु बनी फिरती हो। ये सजना, ये संवरना, ये सब क्या है? और जहरीली से जहरीली बात यह हुई है कि औरतों ने यह मान लिया है कि उनकी सार्थकता ही इसी में है कि पुरुष उनकी तारीफें करें, कि पुरुष द्वारा उनको स्वीकार किया जाए। हो क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि मन एक ही है। और भूलना नहीं कि जो आदमी स्त्री को चीज की तरह इस्तेमाल कर रहा है वो अपने दोस्तों को भी चीज की तरह ही इस्तेमाल कर रहा है, भले ही उसके वो पुरुष मित्र क्यों ना हो। जो औरत, मैंने अभी कहा कि अपने आप को चीज की तरह देखती है, वो निश्चित रूप से पूरे संसार को चीज की तरह ही देखेगी, तो वो अपने पति को भी वस्तु रूप में ही देखेगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक कह रही हो। तो स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे को वस्तु रूप में ही देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंजम्पशन। हाँ, मर्द का जोर ज्यादा चलता है तो वो औरत के नाम के आगे अपना नाम भी लिख देता है। और तुमने सही पकड़ा, अगर कुछ ऐसा हो सके कि औरतों का जोर ज्यादा चलने लगे तो मर्दों के नाम के आगे वो अपना लिख देंगी। वो कहेंगी तू मेरी चीज हुआ अब। पर मूलभूत से कुछ बदला नहीं है, दोनों अभी भी एक दूसरे को देख रहे चीज की तरह ही। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। ये तुम समझ रहे हो ना, ये मन कैसा है? ये मन वो मन है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल देख पाता है। बात आदमी औरत तक भी सीमित नहीं है देखना। ये वो है जो नदी बह रही होगी ना, तो नदी को गंदा कर देगा, उसे काट देगा, तोड़ देगा। उसका सिर्फ एक काम है कि नदी का उपभोग कर लो, नदी को कंज्यूम कर लो। ये पहाड़ों को नंगा कर देगा, सारे पेड़ काट डालेगा, क्योंकि उसका बस एक काम है कि पहाड़ का भी शोषण कर लो। उसके लिए पूरी दुनिया ही एक चीज भर है, इसको खा लो, नोच डालो। उसका पेट कभी भरता ही नहीं, वो कितना भी खाता है, कितना भी भोग करता है, उसकी लालसा बनी ही रहती है। तो इसीलिए तुमने अतीत में देखा होगा कि पुरुष एक स्त्री नहीं पांच रखता था, और 50 भी रखी गई हैं और 5,000 भी रखी गई हैं, क्योंकि भूख कभी शांति नहीं हो रही, प्यास बुझी नहीं रही। चीजें कभी प्यास बुझा पाती भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए बुझेगी फिर उठेगी, तो तुम और इकट्ठा करते चलते हो। उस मन से सावधान रहना जो दुनिया में मात्र वस्तुएं देखता हो। उसके लिए ना किसी का शरीर भी मात्र एक वस्तु ही रहेगा। अब उदाहरण लो मेघना, तुम, मैंने अभी बात करी कि हम नदियों को और पहाड़ों को कैसे देखते हैं, तुम देखोगे हम जानवरों को कैसे देखते हैं। तुम एक जानवर लेते हो, तुम समझ ही नहीं पा रहे कि ये जीता जागता है। तुम उसके पंख नोच देते हो, तुम उसके शरीर में लोहा डाल देते हो, तुम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हो, उसका मांस खा जाते हो। और यही काम पुरुष फिर स्त्री के साथ करता है। ठीक यही काम तो कर रहे हो ना, कि तुम्हें उसका मांस नोच डालना है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वस्तु मात्र है। पर जब तुम एक पक्षी के साथ ये करते हो, एक पशु के साथ ये करते हो, तो तुम्हें ख्याल भी नहीं आता कि तुम ये सब किस मन से कर रहे हो। ये एक बलात्कारी मन है।
और दुनिया में मात्र बलात्कार ही कर रहा है। वो घास पर चलेगा तो घास का बलात्कार करेगा। आज जानवरों की, पौधों की हजारों प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। ये क्यों विलुप्त हुई? क्योंकि हमने उनको मात्र वस्तु समझा कि खाओ पियो भोग करो। ये इसीलिए तो हैं, ये इसीलिए तो है ना कि हम इनका शोषण कर सकें। आज पृथ्वी का औसत तापमान करीब करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है सामान्य से, और अगले 20-30 सालों में ही पता नहीं कितना और बढ़ जाएगा। तुम्हारे जीवन काल में ही कई शहर विलुप्त हो जाने वाले हैं, क्योंकि आदमी ने पूरे जगत को मात्र चीज समझ रखा है। ग्लेशियर्स को पिघला दो, पिघलते हैं तो जाने दो उनको, मार दो पशुओं को, पक्षियों को खा जाओ। ये हमारे लिए ही तो है कि हम इन्हें खा सकें। औरतें किस लिए हैं? इसलिए ताकि हम इन्हें भोग सकें। पुरुष कहेगा, स्त्री कहेगी, पुरुष किस लिए है? ताकि मैं उससे मौज मना सकूं। और किस लिए है? और ये राह मात्र महाविनाश की ओर जाती है, और हम महाविनाश के बड़े करीब हैं, बहुत बहुत करीब हैं। ये जो तुम देख रहे हो ना मौसम, इस महीने में ऐसा मौसम होना नहीं चाहिए। ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है। तुमने क्लाइमेट को जो वस्तु समझा ना, खिलवाड़ किया उसके साथ, ये उसका नतीजा है। ये जो तारों तरफ अब तुम देख रहे हो कि हर दूसरे महीने खबर आ रही है कि इतना बड़ा तूफान आ गया, कभी अमेरिका में आता है, कभी बांग्लादेश में आता है, ये चल क्या रहा है? ये यही चल रहा है, महाविनाश की सब ये आहटें हैं। क्योंकि मन वही है ना आदमी का, औरत का, जिसके लिए सब कुछ सिर्फ भोगना है, भोग लो। उड़ाओ और हवाई जहाज, भले उससे पूरा वातावरण नष्ट हो जाता हो, पर हमें तो घूमना है पूरी दुनिया में। बड़े बड़े और हवाई जहाज बनने चाहिए, बनाओ और मिसाइलें, पर हमें तो जीत लेना है इसको भी और उसको भी। बनाओ और न्यूक्लियर बॉम्ब, भले उससे धरती 100 बार तबाह होती हो। बचो, सावधान रहो ऐसे मन से।